खड़े हुए लड़के और लफंगे सब ताड़े थे उसे, दुपट्टा उतार के नाची थी। भाई अब बंद करो ये बकवास। अच्छा बता, कोई लड़की कोई रिश्ता है तेरी नजर में? वैसे मुझे ना फौजिया पसंद है। फिट है मुंह तेरा। दिखा दूंगी मैं इस दुनिया को कि फौजिया बतूल को शहजादे की जरूरत नहीं, वो खुद एक मर्द है। लाल लाल आप बहुत अच्छा रहा है। मैं भी नहीं अच्छा। मेरी बारी है। अच्छा ले, अभी मेरी बारी है। ये फौजिया आजा, तेरी पसंद का गाना आ गया ही। हाँ, पिछली बारी अम्मा ने फंटा मारिया सी, चाची ने शिकायत कर दी। चाची तो नहीं बैठी? नहीं चाची बैठी, चाची शिकायत लगा देगी। मर बनी है वो, बैठी हुई है सब्जी बना रही है। चल नहीं डांस कर, चल आना। अच्छा उन्हें ना कह रही हूँ तो कर लेनी है। तुझे तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई, अपने शौहर से बात कैसे करनी है? मैंने पूछा क्या तुझसे? यही पूछा है ना कि इतनी देर हो गई है, देर बाद आया कितने था? तो क्या अपने दिन और अपनी रात का हिसाब दूं तुझे? और तुझे दूं हिसाब अपनी जिंदगी का? तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? तेरी बीवी हूँ और क्या पूछ सकती हूँ मैं? तो बीवी बन, मुझसे तो मेरी माँ ने नहीं आज तक कभी पूछा। और पुत्र कितने गया सी? पर तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? अब कौन है तू? पूछ लेती ना तो आज तेरा ये हाल भी ना होता। बकवास बंद कर, कैंची की तरह जबान चल रही है तेरी। नच नच, पूरा पिंड पे वेखदा है, तुझे शर्म नहीं आती? सोचा मैं नहीं नाची थी, वो ना वो मेरी सहेलियां ना उन्होंने कहा था मुझे। और किस बात का हिसाब मांगती है तू मुझसे? है दस, और कभी आकर तेरे अंदर इतनी? और दिया ही क्या तूने मुझे आज तक? ये तीन बच्चियां जो हर वक्त पिंड की आवारा लड़कियों के साथ खेलती रहती है। और चलो चलो अपने घर जाओ, निकलो यहाँ से। अहमदा, खुदा का शुक्र अदा कर, तियां भी नेमत होती है खुदा की। कादी नेमत है? और तीन बोल बोल के ना तुझे अभी के अभी फारिग करा दूं, अपनी औकात ही चढ़े। बड़ा मान है तुम्हें है अपने मर्द होने पे, तो मर्दों के पास ना तीन लव्स के अलावा कुछ नहीं होता औरत को देने को, और दे भी क्या सकते हो तुम लोग? बस यही तीन एक बोल है ना,
औरत को दलील करने के लिए तो मर्दों के पास तीन बॉल बोल दूंगा। वाह भाई क्या बात है तेरी, और बड़ी बातें आ गई है तुझे, बड़ी बातें आ गई है। और जब भी तू अपनी फैन से मिलकर आती है ना, यही जली कटी बातें करती है। छोड़ मुझे। चल चल उठ चल और निकल यहाँ से। छोड़ मुझे और निकल यहाँ से। मैं बेड़ा गरक, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती कि रोज रोज यहाँ आके डेरे जमा लेती है तू। हैं? एक मियां नहीं संभाला जाता तुझसे, ना बाप का एहसास ना भाई का एहसास, यहाँ पे आके उनपे बोझ बन जाती है। तेरे पे तो बोझ नहीं है ना, तू जाके अपना कमरा और अपना मियां संभाल, हमारी बेटी है ना, हम खुद संभाल लेंगे। जा जा रही हूँ। इसने तो जरूर बोलना होता है। चुप कर। चुपी तू भी बाजे को घर बिठा ले। ये ले। तू बस यहाँ बैठ के ना हर वक्त गाने सुनता रहे, बाहर क्या तमाशे हो रहे वो नहीं तुझे पता चलता। आ गई है वो नाजिया लड़के फिर से आके बैठी हुई है बाहर। वो कमीना तो हर रोज मार के निकाल देता है। मैं तुझे कह रही हूँ ना चुप कर। तू तेरा बाप आएगा ना तो खुद पूछेगा उस कमीने को। हमदर्दियां हो रही है उसके साथ। मैं तो कुछ बोलू ना तो अम्मा फौरन मुझे डांट देती है। मेरी तो टके की इज्जत नहीं इस कार में, भले से मैं फायदे की बात ही क्यों ना कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरी भी शादी करना चाहती है ना, मैं भी यही रोती रहूं। दो पहले बैठी है, ये भी हर रोज मुंह चुक के आ जाती है। सब नसीबों के खेड है, हम थोड़ी ये चाहते थे कि आकर ये घर पर बैठ जाए। मैं बता रही हूं मेरे से नहीं होता इतना काम। तो ना कर, तू घर की नूह है नौकर थोड़ी है। तू देखना अम्मा मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी, खुद बनाऊंगी नसीब अपना। फखर करेगी एक दिन तू मुझ पे। और जो उन्होंने रोज का यही काम पकड़ लिया तो मैं कहता हूँ अम्मा को कि जब ही आए अपना काम खुद ही करें। पर बेटियों को तो एक ना एक दिन अपना घर बसाना ही होता है ना। कौन से घर, जहाँ से रोज मार खा के वापस आ जाती है ना। तूने अम्मा को कह दिया और अम्मा ने तेरी मान ली है, ये हाल नहीं है इस बात का ना। तो क्या हाल है तू बता दे, तू ज्यादा समझदार है ना। मैं तो पहले इतनी पैड़ी हूँ, मैंने हाल बताया तो और बुरी बन जाऊंगी मैं। ऐसी बात नहीं है, अब तो असमा को देख ले कितनी जबान चलाती है रहीम के आगे, कैसे लड़ती है उससे। तेरे भाई ने तो उसे कभी मार के उसके पेके नहीं भेजा। वो नागिन उसने तो भाई को उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ है, भाई को उसके सिवा नजर ही नहीं आता कुछ। गाल सुन, तू भी अपने मियाँ पे को तवीश वीज करा ना, काबू में कर उसे। अम्मा ने सारी कारदारी सिखा दी, ये भी सिखा देती अम्मा तो। ओए ऐसी औरतों का बड़ा भैड़ा अंजाम होता है। फिलहाल तो इसका अंजाम सही नहीं लग रहा मुझे, हालत देखिए इसकी, शादी पे इतनी हसीन थी कोई रंग रूप ही नहीं रहा उसका। हाय हाय सब नसीबों के खेड रूप रोन ते करम खान। चलो जी अपनी गलतियां नसीबा ते पा के गाल ही मुका दो, नसीबों के खेड है। हाल बता के मैंने और बुरा नहीं बनना, पर एक बात बता रही हूँ तुझे मैं, जो तेरी बहन ने यहाँ पर डेरा जमाया ना तो मैंने मैके चले जाना है। क्या तूने रोज का ही काम पकड़ लिया, कौन से लड़ाई करती है और मुंह उठा के इधर आ जाती है। भाई वो मैं खुद नहीं आई, बाह फाड़ के बाहर कटिया करो। और तू भी चुप कर, तेरी भी दो गज लंबी जबान हो गई है, और तू ही शह देती है, तू ही पटियां पढ़ाती है ना, इसकी कोई ना कोई गलती तो होगी ना। ओए बेगैरता, बीवी की गुलामी करने वाले, माँ की उम्र की बीवी लेकर आ गया इसीलिए उसकी हर बात पर यकीन कर लेता तू। उसकी बात पर यकीन नहीं करता, मेरी आंखें हैं, मैं देखता हूँ इस घर में क्या हो रहा है। क्या देखता है तू, बोल बोल क्या नजर आता है तुझे। ओए बहन के आंसू नजर नहीं आते तुझे, मासूम बच्चियां नजर नहीं आती। उसके सिर पर हाथ रखने का तो तू रवादानी पर कहता है मुझे सब दिखता है, सब देखता हूँ। ओए तू वही देखता है जो तेरी बुड्ढी तुझे दिखाती है। ओ माँ तू हर बात में उसे क्यों घसीटती है, तुझे अपनी बेटियों की गलतियां नजर नहीं आती ना। कुछ तो ये करती होगी ना, आगे से जबान चलाती होगी तो खौन ने तो फिर कुट चाड़नी है।
ना तो तेरी बुढ़ी की जबान कम लंबी है, डेढ़ गज लंबी जबान है उसकी। तूने तो कभी उसे ना कुट चाड़ी। माँ चाहती है मेरी कि मेरे घर में कोई ना कोई फसाद पड़ा रहे, मेरा घर ना बसे, मेरा घर बर्बाद हो जाए, मैं कोई घर में फसाद खड़ा करके रखूं, बीवी पे छितर पाला कर दूं ताकि वो यहाँ से चली जाए, मेरी माँ के कलेजे में पड़ जाए ठाट। ओए मैं तेरी माँ हूँ और मैं क्यों चाहूंगी ऐसा, तू पुत्र है मेरा, पर तू अपनी बहन से दो बोल हमदर्दी के नहीं बोल सकता। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि तुझे अपनी बहन के आंसू नजर नहीं आते। तुझे मैं कभी नजर नहीं आता, उसे भी तो बेटी बना अपनी, वो बहू है। चल जा 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 के बैठ अपनी बुड्ढी के मोटे गुट जा। बस माँ तुझे मुझे ही धक्के देने आते हैं। चल चुप कर, मेरी किस्मत ही ऐसी है माँ, तू भी तो लड़के आ जानी है ना हर दूसरे दिन। चले तू भी दीदे नीवे कर। अब क्या तमाशा खड़ा कर दिया है उसने, और यहाँ हमारे घर क्यों आ गई है वो? उसने घर से निकाल दिया था तो फिर क्या करती वो? वही तो, निकाल दिया था तो वहीं रहती वहीं मरती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, पड़ी रहती दरवाजे पे ही वहीं। अल्लाह अल्लाह करके एक की शादी की थी, क्या पता था, क्या पता था कि सारे खर्चे हम ही को उठाने पड़ेंगे। अगर पता होता उसकी भी शादी ना करता, और घर का खर्चा मुझ अकेले को मुश्किलों से पूरा करना पड़ता है। तू खुद अहमद को समझा ना, एक बार उससे बात तो करके देख। देखभाल के शादी की होती ना तो आज ये सब ना देखना पड़ता। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। अब्बा सारा कसूर तेरा है, एक नंबर के निकम्मे और फारिग बंदे से तूने बाजी की शादी की है, अब सारी जिंदगी उसमें बैठ के रोना ही और क्या करना है। और बकवास ना कर, बकवास ना कर, तेरी तो शादी मैं है बहुत छेती कर दूंगा। मैं कोई गाय बकरी भैंस नहीं, जहां हो अकदे घर पर चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ अपनी मर्जी और पसंद से शादी करूंगी मैं। ओ बेगैरते बेहया, यानी आती बाप से ऐसी बातें करते हुए, कोई या कर, बाप से ऐसी बातें नहीं करते। चल जा दबाओ, अंदर जाके दरवाजा बंद कर, तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, करती तेरा कोई बंदोबस्त। बंदोबस्त जेड़ा ओदा कीता ना अंदर बैठ के रोंदी पई है। मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो बड़ा बुरा करूंगी मैं। ओ लौंच मारे ना, अम्मा मारी ना, और मोर का सिर गंजा कर दांगी तेरा, बदबख्त ना होए ते। बंद कर दरवाजा अंदरो, बड़ी जबान चलन लगी है दी। और डील दे इस फूलां रानी को, बाहर ना निकली उन। तेरा दिमाग खराब हो गया, मत मारी गई, तुझे फौजिया के अलावा कोई लड़की नहीं मिली पूरे पिंड में ब्याह करने के लिए? ओए अब्बा इस तरह की बातें ना किया कर। आ, मुझे फौजिया ना बड़ी पसंद है, वो मैंने ब्याह उससे ही करना है। हाँ
ना मेरे से ना मुंह फेरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक गाल दस, उस लड़की के अंदर कौन सी एक अच्छी चंगी चीज है? पूरे पिंड में लूर लूर फिरती है, एक नंबर की वाला लड़की है वो। ओए आपा ऐसी बातें ना किया कर, बुरी बातें हैं ये। ओए एक बारी तो मेरी उससे शादी हो लें दे, फिर देखी ओए कैसे मैं उसके छक्के छुड़ाता हूँ। छक्के वो तेरे छुड़ाएगी, तेरा दिमाग ना उसने ठिकाने लगा देना। अम्मा मैंने उस लड़की को अपनी भाभी नहीं बनाना, और तू ये ख्याल निकाल अपने दिमाग से। ओए आपा तूने और माँ ने अगर मेरी उसके साथ शादी ना ना कराई और तो मैं जहर की पूरी बोतल पी लूंगा। हाँ नहीं साजिद रुक जा, मेरी बात सुन साजिद। हेलो है कोई दुकान पे? पैसे देने आई थी, जितने बनते हैं काट ले। वैसे जल्दी क्या थी, पैसे तो आ ही जाने थे। जो काम वक्त पे हो जाए वो ही अच्छा होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जो काम वक्त पे हो ना वही अच्छा होता है। ना मैंने कोई तुझे लतीफा सुना है जो दांत निकाल रहा है? चल चल। ए बात सुन, तू हमेशा तो गुस्से में रहती है, और भी कोई मूड है तेरे? नहीं, तेरे जैसे को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। जहां लड़की देखी दांत बार ई। तू सुन, फौजिया बतूल नाम है मेरा, पिंड की बाकी लड़कियों जैसे ना समझना। वो चार चीजें क्या उधार दे दी, सर पे चढ़ गया मेरे। फौजिया बतूल तू वाकई आम लड़की जैसी नहीं है। पहली लड़की जो मैंने तेरे पे वार करके भाग गई है। अपनी सास से बात करके तो देख। रहन दे माँ, मेरा घर खराब करने पे तू तुली हुई है। बांदरी से चुप, रुक जा फौजिया, बांदरों की तरह नाच रही थल्ले लात। पागल के इनकी, जैसे म्यूजिक सुनती है मरासियों की तरह नाचती है। हमारे घर नहीं मरासियों के कार पैदा होना चाहिए तुझे। मैं मरासी हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मरासी इंसान नहीं होते क्या? मरासियों की इज्जत भी नहीं होती, इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है। अगर मरासियों के पास पैसा है ना तो वो भी चादर बन जाता है। पागल जी ना बेटा, पीछे पड़ी हुई है पागल जी। तू देखी एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। सारा इंतजाम किया हुआ मैंने, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है। आहा हाय फौजिया, तू पागल तो नहीं होगी, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। बाजी ये तो हर वक्त की बातें होती है, एक्टर बनूंगी हीरोइन बनूंगी। क्यों, मैं हीरोइन नहीं बन सकती? लंबी हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, किस चीज की कमी है? फौजिया खूबसूरती होना बहुत जरूरी नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। पासे हट। तो देखी एक दिन टीवी भी आऊंगी, सड़ते रह जाओगे। चल देखोगे फौजिया आई। अम्मा अब्बा आ गए ना, चित्रौल लगाएंगे तेरी। अब्बा को भी कहूंगी अब्बा डांस करते, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। कैसी लड़की चाहिए तुझे? तेरे जैसी। मेरे जैसे? मेरे पीछे ना गांव के आधे से ज्यादा लड़के शादी करना चाहते हैं मुझसे। मेरे जैसे। उधर बैठी रहेगी, इधर आके हाथ ही लगवा दे। क्या हुआ है, मुंह लमका के क्यों बैठी है? कुछ कहा है किसी ने? ओ फुट, अम्मा ने कुछ कहा है? नहीं। फिर अपनी अम्मा के घर गई थी मैं,
वहां पे निरा स्यापा पड़ा हुआ है। वो साजिद कहता उसने फौजिया से शादी करनी है, फौजिया ना मिली ना तो जहर खा लेना उसने। पागल हो गया? तेरी बहन है, बड़े बड़ों को पागल कर दे। मुसीबत कहीं की तू कहती लग रहे मर जा। ओ चुप। काम को मिलूंगा मैं, साजिद से बात करता हूँ, समझाऊंगा उसे कि पागल ना हो। मैं सबने बात की उससे, वो नहीं समझ रहा। तू तो बस रट लगाई हुई है कि फौजिया ना मिली तो मैंने इंतजाम पी लेना है। ओ प्यारे नलो प्यारे सजना, ओ ऐसा तेरे अगे दिल हारे सजना। तू नहीं पास आना। आए प्यार नलो प्यारे सजना। वो अम्मा आ रही कल रिश्ता लेके। ओ पागल हो गए हो सारे, अम्मा ने वट्टे सट्टे पे तो बिल्कुल ही राजी नहीं होना। अम्मा ने नहीं होना तो तू अब्बा से बात करना, अब्बा को समझा, अब्बे को सारी बात बता कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो हमारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। और मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे वीर ने जहर खाया ना तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुप। करता हूँ मैं अम्मा से बात। अच्छा मैं कराती हूँ, छोड़ दे तू। ला मुझे जा, मैं कर लूंगा। नहीं मैं कर देती हूँ ना। सुधरायन जी। आपको पता है वो बाली नहीं अपनी, वो फिर भाग गई है। फिर भाग गई है, ये कौन सी नई बात है? वो तो हर महीने दो महीने बाद भाग जाती है किसी ना किसी के साथ। इस दफा किसके साथ भागी है? मुझे कौन सा बता के भागी है। हाँ पर मैंने सुना है कोई वलैत हुसैन है उसके साथ भागी है। वलैत हुसैन के साथ? फिर तो जल्दी वापस आ जाएगी, उसने कौन सा उसे रखना है ज्यादा दिन। मैं बड़ी परेशान हूँ तुझे राय जी। क्यों? मेरे अपने घर में इतने मसले बने हुए ना। क्या हो गया? मेरी बहन है ना नाजी। हाँ। उसके बंदे ने फिर मार के निकाल दिया उसे। हर दूसरे दिन बाल से मारता है, करता कराता कुछ नहीं, निकम्मा मर्दूद कहीं का। जबान संभाल के बात कर, बड़ा बेनोई है तेरा। मैंने अम्मा से इतनी बार कहा उसे तलाक दिला, सुकून आया उसकी जान को। तलाक दिला के अम्मा कहाँ रखेगी, इतना सा तो घर है। तुसी रख लो ना चंद्राई जी, बड़ी अच्छी नाजी, सारे काम आते, सुकून आ जाएगा आपको भी, कितनी खिदमत करेगी आपकी। जल्दी ना होते। अरे अपने घर की मालकिन है, मैं उसको इधर नौकरानी बना के क्यों रख लूं भला। अपने घर की मालकिन बनने से बेहतर है वो आपकी नौकरानी बन जाए, आराम सुकून से रहेगी। अच्छा बस कर, जबान ना चला ज्यादा, हाथ चला तेजी जान। इधर इधर भी ला। फौजिया के अब्बा, उसकी कहीं रिश्ते की बात चला, परेशान करके रखा है इस लड़की ने। सारा दिन छोटे बहन भाइयों के साथ ना शोर मचाती फिरती है। ओ बलिये लोके, तुझे क्या बताऊं, मैं तो खुद हर वक्त सोचों के समुंदर में डूबा रहता हूं। कल वो कसाईयों का काका आया था शेप कराने, मेरे हाथों टक लग गया उसको। चल मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ, तू बीच में टक को ले आया। मेरी बात सुन, जितनी उम्र है ना इसकी, नाजिया की उस उम्र में दो बच्चियां थी। कहती तो तू ठीक है, वो अख्तर कोई रिश्ते की बात भी कर रहा था मेरे साथ। अच्छा तो फौजिया के अब्बा तू तो फौरन हामी भर ले फिर। हामी कट्ठा भरूं? शर्तें इतनी मुश्किल मुश्किल रख रहा, कह रहा था कि मेरे बेटे को भी अपने साथ काम पर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा खुदा के बंदे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल होता है, तेरे बेटे को काम किधर से मिलेगा। और सुन, ये फौजिया मुझे कह रही थी कि मैंने अभी और तलीम हासिल करनी है। चल तू अब उसका दिमाग खराब ना करी, मैट्रिक कर लिया है ना, आगे पढ़ के कौन सा तीर मार लेगी वो। फिर मैं अख्तर को क्या जवाब दूं? उसको साफ साफ जवाब दे दे।
सुबह पसंद है नहीं पोस्टर? ले जा तेरे हैं। मुझे नहीं चाहिए, तू रख खुद ही। पर देखी एक दिन तेरी दुकान पे मेरा पोस्टर होगा। ये मत बोल तेरा मतलब ये कि अदाकारा बनना चाहती हूँ। भेजिए मेरे तस्वीरें अपनी इन लोगों को, आ जाएगा किसी ना किसी दिन फोन, पूरा यकीन है मुझे। देख फौजिया बता रहा तुझे, मैंने सुना है ना बहुत बुरे लोग होते हैं, तेरा गलत फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो फौजिया बतूल का गलत फायदा उठाए। और तू मुझे एक बात बता, ये गलत सही क्या होता है? तूने कभी बंदूक को खुद चलते देखा है? खुद नहीं। कौन चलाता है? इंसान। तो बुरा कौन हुआ, इंसान या काम? काम कोई बुरा नहीं होता, ये हम इंसान है। और फिर जिसने गंद करना है वो घर बैठ के भी कर सकता है। अदला प्रणाम। ज्यादा फ्री ना हो, मुंडी तो कमाल की दमदार है तू, ऐसी देखी नहीं पहले। सारा दिन खड़े होकर लड़कियों के साथ यूं बातें करता रहता है, फ्री होता है। तेरी बीवी को बुरा नहीं लगता? ले बीवी होगी तो बड़ा लगेगा ना, मेरी शादी नहीं हुई। ना कर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब तू पढ़ा लिखा लगता है, थोड़ा अच्छा खाता कमाता है, अपनी दुकान है, बाहर से आया है, तो लड़की क्यों नहीं मिलती तेरे को? तू देख ना फौजिया बतूल, बात कुछ ऐसी है, जब से वापस आया हो ना मुझे गांव की कोई लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसी चाहिए जो दिल को छू ले बस। क्या मतलब दिल को छू जाए? कैसी लड़की चाहिए तुझे? तेरे जैसी। मेरे जैसी? मेरे पीछे ना गांव के आधे से ज्यादा लड़के शादी करना चाहते हैं मुझसे। मेरे जैसी लेके जा रही हूँ, पैसे बाद में दे दूंगी, मर ना जाएंगे। वो मर तो मैं पहले गया। बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरे पास, बताऊं? कौन है? ना साजिद। अस्मा का भाई? और मैं कह रही दफा हो जाए यहां से। चल जा बे बीवी दे गोडे मोड़। बोल। वो मैं कह रहा था फौजिया की अब शादी कर देनी चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आज कोई रिश्ता आए ना तो मैं इसकी शादी कर दूँ। बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरे पास, बताओ कौन है? ना साजिद।
अस्मा का भाई? हाँ, बड़ा अच्छा जोड़ रहेगा दोनों का। नाम मत लेना, तू जानता है वट्टा सट्टा नहीं करूंगी मैं, और मैं लानत भेजती हूँ उनके घर पर। अब समझी क्यों इतना चढ़ चढ़ के प्यार आ रहा है, ये तेरे ससुराल वालों की ना कोई नई चाल होगी। माँ वो बड़ी खुश रहेगी वहाँ पे फौजिया, बड़ा अच्छा लड़का है साजिद। रहने दे, सारी लड़कियों की किस्मत अस्मा जैसी नहीं होती, और वैसे भी फौजिया का अस्मा की माँ के साथ गुजारा हो ही नहीं सकता, और उसे तो कोई छड़ा छांट चाहिए जिसका ना कोई अग्गे होए ना पीछे। दोनों लड़की हर वक्त लड़ती रहेंगी घर में, रहन दे। ये कोई बकरी तूने मन तक निकाली, कोई बात है करने वाली, ऐसे जोड़ रोज नहीं मिलते। पहले तो अपनी बहन पे इतना प्यार तुझे कभी नहीं आया है? चल छड़ मेरे पैर, इसीलिए दबा रहा था तू, चल उठ जा। देख ले अम्मा, और मैं कह रही दफा हो जाए यहाँ से। चल जा बे बीवी दे गोडे मुड़। अस्मा का भाई ये जाया ससुरालियों का बड़ा इसे। पूरी फिल्म देखी थी, तुझे पता फिल्म देखे बगैर मेरा गुजारा तो है ही नहीं। और ये वाली फिल्म तो लगती भी हफ्ते में सिर्फ एक ही बार है। उसमें जो लड़का था वो आबे जैसा नहीं लगता? हाँ, उसका हीरो तो बिल्कुल आप भी जैसे, आप भी तो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। तुझे पता है शादी करना चाहता है मुझसे? अच्छा, रिश्ता भेजा उसने तेरे घर? नहीं रिश्ता तो नहीं भेजा, मगर मेरे एक बार कहने पे भेज देगा। तो फिर तू कहना उसे भेजे अपनी माँ को तेरे घर। तेली मैंने ना इस बारे में भी सोचा नहीं है। तो सोचना फौजिया, वो गांव के बाकी लड़कों के बारे में तो तू जानती है, एक नंबर के आवारा और फारिग है। एक ही आबित ही है जो अच्छा खाता कमाता है और शक्लो सूरत का भी अच्छा लगता है। क्या तो तू ठीक रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ उसे, हाँ कहूँ या फिर। बड़ी मगरूर है वैसे तू फौजिया, तेरी जगह अगर उसने मुझे कहा होता ना तो मैंने तो फटाफट ही शादी के लिए तैयार हो जाना था। तो फिर तैयार हो जा, बात करूं मैं अभी से तेरी है? नहीं नहीं कर, तुझे पसंद करता है ना, तू कर ले। नहीं तू कर ले, सिली बांट लेते कर ले, तू कर ले, कर ले ना, कर ले। जीता रहो मेरा बेटा, जीता रहो। मेरा घर तेरे हवाले अब्बा, बचा ले इसको। तेरा घर बचा लूं, बेटी को जहन्नम में भेज दूं? अरे मैं कैसा भाई है तू? तूने भी हमेशा बेटियों की सुनी है, और कोई मुझे बताए खास साजिद में बुराई क्या है? साजिद की माँ में बुराई है, वो मेरी बेटी को अपने घर में टिकने नहीं देगी। मैंने सुना कि लड़के में भी कुछ खराबी है, चाल चलन ठीक नहीं है। अब्बा तुझे अच्छी तरह पता है, सासें भी ऐसी होती हैं और लड़के भी ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद खुद ब खुद सभी ठीक हो जाता है। पर तेरी सास ने ठीक नहीं होना, वो बड़ी तेज है, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरी बेटी का घर नहीं बसने देगी। अब्बा तेरे आगे हाथ ही जोड़ सकता हूँ, अस्मा ने नाराज होके वापस चले जाना है, मेरा घर उजड़ जाना है, और जे तेरी यही मर्जी है तो वो भी बता दे मुझे। बेटा तू इस तरह कर, अस्मा के आगे जाके हाथ जोड़ दे, वो कहीं नहीं जाएगी।
बिस्कुट भी ले गया। लानत है ऐसी औलाद पर भी। एक गल मैं आपको बता दूं, ताडा मुंडा बहुत समझदार है, तानू इस दी भी गल मननी चाहिए। पर फौजिया से तो बात करनी पड़ेगी ना। ना फौजिया से क्या बात करनी है तुम्हें? बाजी मुझे नाजिया बाजी पे बहुत तरस आता है, हर वक्त परेशान रहती हैं। तरस तो मुझे भी बड़ा आता है पर मेरा बस नहीं चलता। तू मेरा भाई बस पढ़ाई पे तवज्जो दे, पढ़ लिख जा, कुछ बन जा, फिर दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि घर के हालात ठीक हो रहे। इसलिए तो मैं पढ़ रहा हूँ ताकि पढ़े होके बड़ा आदमी बन सकूँ। बड़ा आदमी तू बन तो मैं बनूंगी मशहूर औरत। देखी तो कैसे मशहूर होगी, मशहूर मर्द नहीं होता। नहीं, ये कहाँ लिखा है कि मर्द से मशहूर होता है। पहली बात तो ये कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, और दूसरा ये कि तू अपनी सोच बदल, मेरा भाई है तू, मशहूर तो मैं एक दिन जरूर होंगी। लो भाई जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बीबी आपने तो बता दिया है मगर। वो अगर मगर क्या कर रहा है अब्बा, वो तेरा देखा वाला है ना साजिद, वो इससे अच्छा जोड़ मिलना है। वो फौजिया बड़ी खुश रहेगी, लड़का खिलौता है, इको एक है, गबरू है, अच्छी कमाई करता है, फौजिया बहुत खुश रहेगी वहां पे। भाई जी एक गल मैं आपको बता दूं, ऐ ताडा मुंडा बहुत समझदार है, तानू इस दी भी गल मननी चाहिए। पर फौजिया से तो बात करनी पड़ेगी ना। ना फौजिया से क्या बात करनी है तुम्हें? तू अंदर आके मेरी बात सुन। भाई जी तुसी एनी सोचां च पैंदे हो, ना पवो। ओ सही कह रहे हैं, अल्लाह दा नाम लवो, हिम्मत करो, चलो उठो, उठो मेरा भी, उठ भरा, कदे बच्चों की भी मान ली दी है। तू बाप है उसका, तेरे फैसले के आगे इनकार तो नहीं करेगी ना। तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा कि घर बर्बाद हो जाएगा, वो लड़के में कोई बुराई नहीं है, खुश रहेगी वहां पे, मान जा। हमेशा बेटी के बारे में सोचते, कभी बेटे के बारे में भी सोच लिया? की कीता जे रक्षे दा? साजिद भाई अब तो आप ठीक हो जाओ, कितने रक्षे और खराब करोगे, अब तो नया रक्षा भी खराब होना शुरू हो गया है। ओए ठीक हो जाऊंगा, और रक्षे नवे खराब हो जाते हैं, क्या बात है, बंदा फिर ले लेता है। और तुझे एक बात बताऊं, वो तेरे भाई की ना मंगनी होने वाली है। ओ किससे साजिद भाई? ओए वो अपनी नहीं है फौजिया, वो फौजिया बतूल उससे। वाह यार क्या बात है तेरी साजिद भाई, फौजिया बतूल राजी होगी तुझसे मंगने के लिए? वही राजी क्यों नहीं होगी, आप ही घर में नहीं बैठी उसके, इनकार कर सकती है बोला? ओ यार वो तो बड़ी नकचड़ी और गुस्से वाली है यार साजिद भाई। बोला ऐसी सुन लो, नकचड़ी और गुस्से वाली, वही नकचड़ी और गुस्से वाली तो शादी से पहले सारी लड़कियां होती हैं, पर शादी के बाद इंसान की बच्ची बन के रहती हैं, और अगर वो इंसान की बच्ची बन के ना रही तो तेरा भाई उसको सीधे रास्ते पे ले आएगा। आ
ने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी तो देखी मैं क्या करूंगी। मुझे बता क्या करेगी, तुम क्या किसको दे? और तू क्या बुरा पिंड देखेगा? आवाज करती है तू? बिल्कुल ठीक है, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ। देख अम्मा, तू मेरा रिश्ता लेके फौजी से काटनी गई ना तो मैं की जान शान दे देगा। जान शान दे देगा, ट्रेन की पटरी लेट के जान दे देगा, बता रहे हो। तू पागल हो गया बिल्कुल ही। मेरे रास्ते के कुत्तों का ना मुंह नहीं लगाती। अभी अभी अम्मा अब्बा की बातें सुनकर आई हूँ। की कह रहे? अम्मा अब्बा कह रहे इसी जुम्मे तेरी रस्म नहीं निकाह होगा।